हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज किसी भी संख्या को अगर आपको 1111 से चुटकियों में सॉल्व आउट करना है तो आप उसे कैसे टारगेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल बटन दबाते हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई भी संख्या ली, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक वैल्यू 1 2 3, इसको आप गुणा करना चाहते हो 11 से, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो आपको करना क्या है, आप 11 से गुणा कर रहे हो, इसलिए आपको क्या करना होगा कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट है, या आप यूनिट प्लेस बोल सकते हो 3 एंड 2, आपको सेम वैसे का वैसे यहां पर लिखना है 1 और 3। थोड़ा गैप मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस गैप में आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगे। देन अगर हमने इसे शुरुआत करें तो आपको इधर से शुरुआत करना है। इधर से शुरुआत करने का रीजन मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी कैलकुलेशन को अगर आप उल्टी डायरेक्शन से शुरू करते हो, वैसे जनरली आपने इधर से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, उल्टी डायरेक्शन से करते हो तो आप जो कैरी है उसे कैलकुलेशन में ले सकते हैं, आपको कैरी अलग से लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो मेरी पहली वीडियोस भी इसकी अपडेट हुई है, उनको आप पहुंच कीजिएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपको सबसे पहले पहली और लास्ट ये दोनों डिजिट सेम वैसे वैसे रखने हैं, उसके बाद आपको पेयर्स बनाने हैं, बोलते हैं ना अपने जोड़े बनाने हैं, घर बनाने हैं, आपको पेयर्स बनाने हैं। इधर से शुरुआत करनी है, जैसे आपने जोड़ा बनाया 2 और 1, इनका आपको जोड़ कर देना है 2 और 1 3, आपको यहां 3 लिखना है। नेक्स्ट अगला जोड़ा देखो 2 और 3 में ये बन रहा है 2 3 5, ये आपका 5 आ गया, दैट इज योर रिक्वायर्ड प्लस 1। अब एक और वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू आई 3 5 2 7, इसको आपको गुणा करना है 11 से, तो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे? कि आपको क्या करना है, सबसे पहली और लास्ट वैसे के वैसे लिख लेनी है 3 और 7, देन उसके बाद आपको जोड़े बनाने हैं 5 और 3 8, 5 और 2 7, 2 और 7 9, दैट इज योर रिक्वायरमेंट। तो अभी मैंने सिर्फ वही वैल्यूज ली जिन वैल्यूज के अंदर आपकी कोई भी कैरी नहीं बन रही, तो आपके पास काफी सिंपलर फॉर्म में आपका इसका आंसर टारगेट होना था। अब मुझे यहां पर क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू में लेता हूं जिसमें कैरी बनेगी, तो उस कैरी को कैसे यूटिलाइज करना है तो आप उसे भी प्रॉपर सीख पाएंगे। तो वैल्यूज लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू ली 9 7 6, इसका मुझे गुणा करना है 11 से, तो सिंपली भी वही चीज 9 और 6 आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब देखिएगा, अब मैंने जैसे इसे जोड़ा 9 7 16, तो 16 जब मुझे लिखना है तो कैसे लिखना होगा, 1 ऊपर और 6 नीचे। देन नेक्स्ट करते हैं 7 और 6 13, तो 1 ऊपर 3 नीचे, आप इसे जोड़ दोगे दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 10 7 3 6 6 3 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। अब यहां पर अपने टारगेट करते हैं, वैल्यू ली मैंने 9 5 3 8 7 6, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से। देखिएगा पहली और लास्ट वैसे की वैसे 9 और 6, देन बीच में लिखते हैं 9 और 5 16, 1 ऊपर 4 नीचे, देन 5 और 3 8, तो 8 का 8 आ गया, देन 8 और 3 11, तो 1 और 1, देन 8 और 7 15, 1 और 5, देन 7 और 6 13, 1 और 3, आप इसे आप जोड़ दोगे 6 3 5 और 1 6 1 और 1 2 8 और 1 9 4 9 और 1 10, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो काफी सिंपलर फॉर्म है और ये जो पैटर्न है, ये लिखने का पैटर्न बड़ा आसान है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इसको समझने के अंदर कोई दिक्कत आ रही है या अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके उसे समझ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू कि आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो आपको मैं सॉल्व करूंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरा समझना है कैरी का, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोज है ट्रिकी मैथ्स की, वो आप देख सकते हैं। देन अगर अपनी बात करें, अब किसी भी संख्या को अगर आपको 111 से गुणा करना है तो आप कैसे गुणा कर सकते हो, तो अपने सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का
111 से होना। तो ये किस तरह से अप्लाई होगा वो देखिएगा स्टूडेंट्स। अब मैंने कोई वैल्यू ली 765, मुझे इसका गुणा करना है 111 से, मुझे इसका गुणा करना है 111 से। तो आप इसे कैसे टारगेट कर सकते हो, आपको क्या करना है, इस 765 को आपको एक बार लिखना है 765। द नेक्स्ट आपको फिर से यही वैल्यू को यहां पर लिखना है, लेकिन उसे आपको स्टेट्स फॉर्मेट में लिखना है। कहने का मतलब आपको इस तरह से लिखना है 7, 6 और 5, यानी कि पूरी स्टेट्स नहीं, सिर्फ 5 आपका आगे आएगा, बाकी वैल्यू आपकी साथ में जो नंबर्स हैं 65 उसके नीचे आएगी। देन तीसरी बार एक बार और है, तीन बार एक है, तो मुझे तीन बार लिखना है। मैं लिखता हूं 7, 6 और 5, आपको स्टेट्स बनानी है, ये आपकी स्टेट्स बनानी है, स्टेट्स फॉर्मेट में लिखना है। अब आपको उसका जोड़ कर देना है, आपका रिक्वायरमेंट रेडी है 5, 6 और 5, 11, आंसर आपकी 1। देन 5 और 1, 6, 6 और 6, 12, 12 और 7, 19, आंसर आपकी 1, 7 और 7, 14, आंसर आपकी 1, देन आपका 8, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर जो आपको चाहिए। तो आप किसी भी संख्या का 111 से गुणा करना चाहते हैं तो आपको स्टेट्स फॉर्मेट में लिखना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है। अब एक और क्वेश्चन पीस पे अप्लाई करके देखें कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा। मैंने यहां पर वैल्यू ली 9724, इसे मुझे गुणा करना है 111 से। तो आप यहां पर क्या करोगे, इसे तीन बार लिखोगे, तो तीन बार एक है, तो 9724, 9724, 9724, दैट इज स्टेट फॉर्मेट। अब आपको इसको जोड़ कर देना है 4, 4 और 2, 6, 4 और 2, 6, 6 और 7, 13, आपका 1, 2 और 3, 7 और 3, 10, 10 और 9, 19, आंसर आपकी 1, 7 और 8, 8 और 9, 17, आंसर आपकी 1, 10, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर जो आपको फाइंड आउट करना है। और इसी तरह आप किसी भी संख्या को 1111 से गुणा कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसमें आपका एक चार बार आएगा, तो आपको इसे चार बार लिखना है और आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी हो जाएगा। तो अब देखते हैं किसी भी संख्या का अगर आपको 1111 से गुणा करना है तो आप इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं। मैंने यहां पर वैल्यू ली 246, इसका मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है 1111, तो यहां पर देखिए मुझे चार बार एक दिखा है, मुझे इसे चार बार लिखना है स्टेयर्स फॉर्मेट में, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, मैंने इसे चार बार लिखा, देखिए आपका स्टेयर्स फॉर्मेट बन चुका है। तो अब मुझे इसका जोड़ करना है, एडिशन करना है, 6, 6 और 4, 10, आंसर आपकी 1, 6 और 4, 10 और 11 और 2, 13, आंसर आपकी 1, 6 और 4, 10 और 11 और 2, 13, आंसर आपकी 1, 4 और 1, 5, 5 और 2, 7, That is your requirements। तो इसमें सिंपल से फॉर्मेट से आप किसी भी संख्या का 1111 से गुणा कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पोर्शन है। और आप किसी भी संख्या का 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, मैंने जो भी आपने वैल्यू बोली उसको मैं ट्रिपल बार में बोल रहा हूं, 222, 323, 444, 555, 666, इनसे कैसे जल्दी कर सकते हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। इनकी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप उन्हें भी विजिट कीजिएगा। थैंक यू।